everyone, it's me, Ritika Gautam from Bharti Group of Colleges Durg. Welcome you all once again on behalf of Bharti College. I'm here with new topic, that is adjective. So, what is adjective? Anyone? If you already studied about noun and pronoun, you can easily answer what is adjective. हमने हिंदी में भी पढ़ा है नाउन के बारे में, प्रोनाउन, संज्ञा, सर्वनाम और एडजेक्टिव क्या होता है. एडजेक्टिव इज व्हाट व्हिच एनहांस द मीनिंग और व्हिच ऐड एडिशनल मीनिंग टू दिस इन द सेंटेंस. लेट्स सी, अ वर्ड व्हिच डिफाइंस द क्वालिटी, अ वर्ड व्हिच डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन और गिव्स us an extra meaning to them is an adjective. यदि किसी शब्द के सहायता से आपको उसका मीनिंग या उसका एडिशनल मीनिंग समझ में आ रहा है, उसकी क्वालिटी समझ में आ रही है, तो वो कहलाता है एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे 3 फेसेस बनाए हैं. नॉर्मली हम सब व्हाट्सएप पे यूज करते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई भी आप कर ले रहे होंगे कि ये किस फेस को इंडिकेट कर रहा है और ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है. सो द फर्स्ट फेस रिफ्लेक्टेड एंग्री, गुस्सा. गुस्सा तो कॉमन है, हम सबको गुस्सा आता है, आपको भी आता होगा, मुझे भी आता है. तो लेकिन अभी गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि हमें अपनी सिर्फ और सिर्फ पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है एडजेक्टिव. सो हियर यू कैन सी द एंग्री फेस. इफ आई से द पर्सन इज वेरी एंग्री, इसका मतलब कि वो एक क्वालिटी बता रहा है कि वो अभी गुस्से में है, करेक्ट. इफ आई से इन दिस पिक्चर अ पर्सन इज इन हैप्पी मूड, हैप्पी आपको एक क्वालिटी बता रहा है कि वो खुश है. द लास्ट वन इज इन दिस पिक्चर यू कैन सी द फेस इज इन सैड मूड. कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं, तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव बहुत इजी है, आप सबको इजीली समझ में आ जाएगा. यदि हम किसी की क्वालिटी बता रहे हैं, यदि हम बता रहे हैं कि द मैन इज वेरी इन इज द मैन इज इन सैड मूड, तो सैड आप बता रहे हो कि ये बहुत उदास है, तो ये आप उसका मूड बता रहे हो, उसका नेचर उस समय बता रहे हो, तो वो कहलाएगा हमारा एडजेक्टिव. नाउन क्या होता है, किसी भी वस्तु, नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग इज नोन एज अ नाउन. तो लेट्स सी विद एग्जांपल, ही इज ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है. हियर बॉय इज अ नाउन, यहाँ पे बॉय जो है वो नाउन है, राइट. इसमें हमने एक यूज किया है गुड, अच्छा, हम उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि वो लड़का बहुत अच्छा है, इज अ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का है. नेक्स्ट वन इज ही इज बैड एट इंग्लिश, हियर इंग्लिश इज अ नाउन, इंग्लिश क्या है यहाँ पे, नाउन है. अब हम बता रहे हैं कि वो इंग्लिश में अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे हमने यूज किया बैड. बैड, गुड, वर्स्ट, ये सारी चीजें एडजेक्टिव के तौर पर हम यूज करते हैं. So, let's see some more confusing adjective in detail and see how to use it. So, the first one is further and farther and further. Farther and further. Similarly, जब कभी हम इसको सुनते हैं तो हमको कभी ऐसा फील होता है कि दोनों ही सेम है, but they have different meanings. Further and farther, far. Farther, farther is a comparative degree of far. जो farther है वो comparative degree है किसका? Far. ये comparative degree है farther. When we use farther, farther हम कब use करते हैं? Far, far मतलब दूरी. कब हम फादर यूज करेंगे? हम फादर यूज करेंगे ग्रेटेस्ट डिस्टेंस दिखाने के लिए. हम फादर यूज करेंगे डिस्टेंस बताने के लिए.
here you can see two example. Before solving this example, let come to the further. What is further? Further means to put additional data or to put additional information. Let's see with examples. Here, my house is at dash end from this place. आपको आप अपने घर की दूरी बता रहे हो इस place से. तो दूरी के लिए हम क्या use करते हैं? Farther. Distance बता रहे हैं. The next one is for dash information contact me. Normally ये sentence हम हमेशा use करते आए हैं. और करते हैं. इवन आप किसी लीफलेट को देखते हो, ब्रोशर को देखते हो, या फिर आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, वहां पे भी आपको ये दिखता है, ये सेंटेंस मिलता है आपको देखने के लिए. क्या होता है इस सेंटेंस का, आप इजीली बता सकते हैं. फॉर डैश इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट मी, यदि इसका मतलब ये हुआ आपको ऑलरेडी जानकारी दी जा चुकी है. आपको ऑलरेडी जानकारी दी जा चुकी है. यदि इसके अलावा आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप उसके लिए कॉन्टैक्ट करिए. और अभी हमने पढ़ा कि यदि हमको एडिशनल के लिए कुछ चीज यूज करना है तो वो हम यूज करते हैं फर्दर, ना कि फार्दर. फर्दर हम यूज करते हैं डिस्टेंस दिखाने के लिए, और फर्दर हम यूज करते हैं किसी भी एडिशनल यूज को दिखाने के लिए. तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? फर्दर. आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा फादर और फर्दर का यूज. सो लेट सी द नेक्स्ट वन, ओल्डर एंड एल्डर. जनरली आई फाउंड मेनी ऑफ स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज इन दिस वर्ड्स ओल्डर एंड एल्डर एंड दे मेक सिली मिस्टेक इन एग्जामिनेशन. व्हाई दे सो? बिकॉज आई थिंक दे डोंट नो द यूज ऑफ ओल्डर एंड एल्डर क्लियरली. So let's see. First we will see older. When we not use older, हम use older कब नहीं करेंगे? आप older कभी use नहीं करेंगे जहां पर family relation की बात हो रही है. जहां पर भी family relation की बात हो रही है, grandfather, grandmother, son, daughter relation की बात हो रही है, वहां पे आप कभी भी older use नहीं करेंगे. उस जगह पे आप हमेशा एल्डर यूज करेंगे. ओल्डर आप यूज करते हैं पर्सन के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी और थिंग्स के लिए भी. बट हम एल्डर यूज करते हैं केवल पर्सन के लिए, ना कि एनिमल्स, ना कि थिंग्स के लिए. तो आपको ये याद रखना है कि ओल्डर आप यूज करते हैं थिंग के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी और पर्सन के लिए भी, लेकिन आप एल्डर यूज करते हैं केवल पर्सन के लिए. और थर्ड चीज आपको याद करना है जो बहुत इजी बना देता है फिल्म फिल करने के लिए, ये जो ओल्डर है वो फॉलो होता है देन से. ओल्डर देन आएगा साथ. लेकिन एल्डर जो है वो फॉलो होता है टू से, एल्डर टू. करेक्ट. लेट्स सी विद एग्जांपल्स. माय ग्रैंडफादर इज द डैश मेंबर ऑफ द सोसाइटी. माय ग्रैंडफादर इज द डैश मेंबर ऑफ द सोसाइटी. अभी यहां पे क्या आएगा? मैंने बताया कि यदि रिलेशन की बात हो रही है तो आपको क्या लगा देना है? एल्डर. तो आप यहां पे देखेंगे ग्रैंडफादर, आपने देखा ग्रैंडफादर और आपने लगा दिया यहां पे एल्डर. Is this sentence is right? क्या ये sentence right है? No, my dear students, ये sentence wrong. आपने इसको wrong बना दिया. आपने जैसे ही एल्डर डाला इस sentence गलत हो गया ये sentence. क्योंकि यहां पे देखो my grandfather is the dash member of the society. यहां इसकी बात हो रही है society की. और सोसाइटी क्या आपका फैमिली मेंबर है? सोसाइटी में जितने लोग हैं, 30, 40, 50, जितने लोग हैं, 10, 2, 3, जितने लोग हैं, क्या वो सारे
ओल्डर, तो यहां से क्या आ जाएगा? ओल्डर, करेक्ट? इज इट? द नेक्स्ट वन, राजीव इज डैश टू मी. अभी बहुत सीली है, मैंने बताया फॉलोड बाय देन में हमको लगाना है ओल्डर, फॉलोड बाय टू में हमको लगाना है एल्डर. अभी आप ये देखोगे राजीव इज डैश टू मी, और यदि आपको टू याद नहीं रह रहा है तो आपको ये देखना है राजीव, राजीव किसी फैमिली मेंबर से बात हो रही है तो यहाँ पे आते हैं टू आपका की आ जाएगा, टू के साथ आपको अभी लगाना है एल्डर, ये हो जाएगा राजीव इज एल्डर टू मी. क्योंकि हमने पढ़ा था कि यदि सिर्फ पर्सन की बात हो रही है तो वहां पे हम एल्डर यूज करेंगे, यदि वो हमारा फैमिली रिलेशन है तो वहां पे हम एल्डर यूज करेंगे, और यदि वो टू से फॉलोड हो रहा है तो हम वहां पे एल्डर यूज करेंगे. तो यहाँ पे ऑलरेडी टू से हो रहा है तो हम यहाँ पे एल्डर यूज कर रहे हैं. सो आई थिंक आपको अभी समझ में आ गया होगा ओल्डर और एल्डर का यूज. सो लेट्स सी द थर्ड वन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. फर्स्ट सबको पता है क्योंकि सब उसी दौड़ में भाग रहे हैं कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है. सभी भाग रहे हैं, सभी अपनी अपनी रास्ते पकड़ रहे हैं कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे जीतना है. तो सबको पता है फर्स्ट का यूज, फर्स्ट यूज करते हैं हम टू इंडिकेट पोजिशन, टू इंडिकेट रैंकिंग, और फॉरमोस्ट हम यूज करते हैं मोस्ट लीडिंग या हमारी प्रियोरिटी दिखाने के लिए, करेक्ट? Let's see with example. He came to the class. He came dash to the class. Obvious. यहाँ पे किसकी बात हो रही है? Ranking की. हम सब वेट करते हैं कि हम फर्स्ट आ रहे हैं, सेकेंड आ रहे हैं, थर्ड आ रहे हैं, फोर्थ आ रहे हैं. ऑब्वियस जो बैक बेंचर्स है वो इसको नोटिस नहीं करते कि कौन फर्स्ट कौन सेकेंड. ठीक है, पास हो गया, ओके. बट स्टूडेंट, ये सिर्फ पास होने का बात नहीं है, आपको फर्स्ट सेकेंड नहीं बट आपको अपना बेस्ट देना है. बस ये हमको सोचना है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, खत्म. ना फर्स्ट, ना सेकंड, ना थर्ड, आपको अपना 100% देना है, दैट्स इट. ही केम डैश टू द क्लास, ही केम फर्स्ट टू द क्लास. नेक्स्ट वन इज मिसेस इंदिरा गांधी वॉज द डैश पॉलिटिशियन ऑफ हर टाइम. इंदिरा गांधी को कौन नहीं जानता? इंदिरा गांधी की बात आ जाती है तो भी पॉलिटिशियन की, जब हम बात सोचते हैं पॉलिटिशियन के लोगों के बारे में सोचते हैं तो इंदिरा गांधी जी का नाम कभी नहीं छूटता. हमारे माइंड में हमेशा स्ट्राइक होता है इंदिरा गांधी जी का नाम. तो यहाँ पर बात हो रहा है उनकी क्वालिटी का कि वो उस समय जब उनके टाइम पे वो बेस्ट पॉलिटिशियन थी, अच्छी थी, मस्त, मतलब एक इंस्पायरिंग पॉलिटिशियंस थी. तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? मोस्ट लीडिंग के लिए क्या यूज करते हैं? फॉरमोस्ट. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. आज हमने देखा है एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव कैसे एक सेंटेंस में काम करता है. दूसरा हमने देखा सम कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव देखा, जिसमें हमने तीन एडजेक्टिव फॉर्म्स में देखे. हमने फर्दर, फार्दर यूज किया, ओल्डर एल्डर यूज किया, फर्स्ट और फॉरमोस्ट यूज किया. आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो. सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी. थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे.